दोस्तों, अगर आप लोग के पास वीवो की डिवाइस है और आप लोग के वीवो की डिवाइस में अगर आप लोग वीडियो कॉल करने जा रहे हैं तो आप लोग के यहाँ पे वीवो की डिवाइस में वीडियो कॉल एक्टिवेट नहीं हो रही है और आप लोग का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अगर आप लोग किसी से भी कॉल लगाते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जो है वीडियो कॉल का ऑप्शन तो वो आप लोग को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फ़ोन में और ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो है वीडियो कॉल का ऑप्शन जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग की कॉल जो है एक्टिवेट होती है तब ये वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट होता है। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ नंबर से जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम गाइस अगर आप लोग को आती है तो इस कैसे फिक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू खुशबू और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन की जो है सेटिंग में चले जाना होगा और फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन का जो यहाँ पे मतलब जो अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना होगा। तो सिस्टम अपडेट में जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोन ऑलरेडी अपडेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप लोग का फ़ोन अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोगों को जो अपडेट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को करना होगा, यहाँ पर नीचे आना होगा और यहाँ पर आप लोग को जो है देख लेना होगा, यहाँ पर एप्लीकेशंस का ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है ये मोर का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार दिखाता हूँ, मोर सेटिंग यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशंस, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ऑल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे रहेगी फ़ोन वाली जो एप्लीकेशन उसको आप लोग यहाँ पर फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और फ़ोन की जो एप्लीकेशन है वो उसको मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। लोग का यहाँ पे जिस फ़ोन एप्लीकेशन का जो तो आप लोग का MB साइज ज़्यादा है उसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रहेगा फोर स्टॉप, आप लोग इसको कर दीजिए फोर स्टॉप और यहाँ पे स्टोरेज रहेगा, इसको आप लोग सेलेक्ट करके क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे और क्लियर इसका डाटा कर देंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना होगा। तो आप लोग स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए अपने फ़ोन को और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपना फ़ोन का जो है कॉलर आप लोग को देख लेना होगा कि वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को एक काम और कर लेना होगा, यहाँ पर मैं आप लोग को जो एक कोड बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग को दो कोड बताऊँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कोड है यहाँ पर वो है *#86 और इसके बाद है 58##। आप लोग इतना डायल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे और ये वीवो डिवाइस के लिए कोड है। अगर ये कोड आपको जो है यहाँ पे आपकी डिवाइस में काम नहीं कर रहा है तो मैं आप लोग को सेकंड कोड बता देता हूँ। तो इसको मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पर इस कोड को भी आप लोग को चेक करना होगा और मैं सेकेंड कोड बताता हूँ, *#*#, और इसके बाद 4838। तो यहाँ पर डायल कर दीजिए *##*##*#*#, और आप लोग को कुछ इस तरीके से जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यूजेस और वाईफाई इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग को फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग की वोल्ट हैज बीन सेट और वीडियो कॉल यहाँ पे ये आप लोग की जो ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग ऑन कर लीजिए इसको और ऑन करने के बाद यहाँ पे आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आप लोग जो अपने फ़ोन की जो है डायलर पैनल को ओपन करेंगे। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को एक काम और करना है, यहाँ पे आप लोगों का अगर एयरटेल का सिम है तो आप लोग अपने एयरटेल से ही आप लोग जो है जो वीडियो कॉल है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का एयरटेल का सिम कार्ड है तो आप लोगों का किसी फ्रेंड का एयरटेल का सिम कार्ड रहता है तो आप लोग उसको जो है बिना डेटा के उसके नंबर से आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास जियो का सिम है तो आप लोग जियो के नंबर से ही सिर्फ आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे मोनो टी जो नाम से नंबर है ये एयरटेल का नंबर है और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो वीडियो कॉल का ऑप्शन है यहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी की मैं यहाँ इसको कट करता हूँ और बाकी की आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप लोग को वीडियो कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग का ये जो फीचर है वो इनेबल हो जाएंगे। और बाकी की अगर आप लोग नॉर्मली किसी को कॉल करते हैं, मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं, तो यहीं पे आप लोग को नीचे साइड में वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा और ये आप लोग की कॉल एक्टिवेट होगी तभी ये जो वीडियो कॉल का ऑप्शन हाईलाइट होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपनी वीवो की डिवाइस में ये जो वीडियो कॉल का ऑप्शन है और उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप लोग फिक्स कर सकते हैं। अगर आप लोग को अब भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपने जो है टेलीकॉम जिस टेलीकॉम कंपनी का आप लोग सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं
टेलीकॉम कंपनी के जो आप लोगों को कस्टमर केयर से बात करनी होगी और वहाँ पे आप लोग को अपनी वीडियो कॉल की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बतानी होगी। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग टेलीकॉम कंपनी से भी बात करके अगर आप लोग की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है तब आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप लोग मुझसे वहाँ पर जो है बात कर सकते हैं। सो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की जो है ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी होगी। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।